क्या कर दिया तूने मुझे, मैं क्या बनते जा रहा हूँ? अर्पित मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। अरे तूने ये क्या किया? अरे तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? I'm sorry. देख, मैं तो तुझे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना चाहता था, ताकत देना चाहता था, पता नहीं ये सब कैसे। अर्पित, I'm sorry अर्पित, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। शायद मुझे प्रोफेसर सुबोध का X2 फॉर्मूला कंबाइन करना चाहिए था। अरे सब्जी लाने में कितनी देर लगेगी? क्या हुआ, बर्तन क्यों तोड़ रही है? कुछ नहीं, कॉकरोच था। अतुल, इसने अपने बाप से बात किया या नहीं? बात और लात दोनों से बात कर चुका हूँ पापा, लेकिन इतनी ठीठ है ना ये लड़की, इतनी मार खाने के बाद भी फोन को उठाने तक तैयार नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे मामा की लड़की को ले आओ अतुल के लिए। माना कि वो दहेज वगैरह नहीं देती, पर दिखने में सुंदर कितनी है मेरी बहन। इसकी तो ना शक्ल है और ना जीभ में ठीला। ये क्या है? भिंडी की सब्जी है भैया। ये भिंडी की सब्जी है या मरी हुई छिपकली? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? महारानी जी, काम नहीं आता था तो ले आती नौकर अपने घर से। अरे शादी से पहले तो इसका बाप बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे 25 लाख रुपए ही तो मांगे हैं, पूरी जायदाद नहीं मांग ली है। हे भगवान, अब क्या करें इस लड़की का, ना तो कोई नौकरी करती है और ना ही खाना बनाना आता है, और ना ही कोई शक्ल सूरत ऐसी है कि मोहल्ले में अपनी थोड़ी नाक ऊंची कर सकूं। कोई सुख भी नहीं है तेरा, अब तू ही बता तुझे इस घर में हम किस लिए रखे? तुम मत रखिए ना, जाने दीजिए मुझे अपने घर। जाने दे तुझे, जाने देते इसे, क्या बोलते हो, है ना? बहुत जबान निकल गई तेरी, उल्टा जवाब दे दिया। छोड़ दे बेटा, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। रुको मैं देखती हूँ कौन। हाँ बैठो, मैं देख के आता। नमस्ते भाभी। नमस्ते। वो माने कोफ्ते भेजे तेजस्विनी के लिए। आई मीन तेजस्विनी भाभी के लिए। वो एक्चुअली कॉलेज से आदत है नाम लेने की, तो मुंह से निकल गया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है केतन, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। वो रिसर्च के लिए बाहर गया था, मैं आज ही लौटा हूँ। केतन, आंटी को कोफ्ते के लिए थैंक्स बोलना। ठीक है, चलता हूँ। बाय बाय। कैसे दरिंदे हैं ये लोग, शादी को 1 महीना नहीं हुआ और अभी से इस बिचारे के साथ मारपीट शुरू कर दी। उधर का देख रही है, इधर देख और मेरी बात आंख कान खोल कर सुन। अपना ये नाटक ना बंद कर और शाम को याद से अपने बाप से पैसों की बात कर लिया। मनु जी, तेरी जुबान चल रही है ना चटर चटर, इसको मैं काट कर कहीं ऐसी जगह फेंक दूंगा जिंदगी भर अपने बाप से बात नहीं कर पाएगी। जाओ
कैसे लोग हैं ये? कैसा बर्ताव कर रहे हो तेजस्विनी के साथ? क्या हुआ बेटा? माँ भी शादी को एक महीना नहीं हुआ और अभी से उन्होंने तेजस्विनी के साथ मारपीट शुरू कर दी है। पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उनके घर का मामला है। हाँ तेजस्विनी मेरी कॉलेज की दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। पर तू उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा, समझा? अरे अब वो उनके घर की बहू है और समझो हमने उसे हेल्प कर भी दी और पीछे से उन्होंने उसे तंग किया तो वैसे भी वो बच्ची बहुत कमजोर है, उन शैतानों का मुकाबला नहीं कर पाएगी वो। नहीं माँ, कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हर एक के अंदर कोई ना कोई ताकत छिपी होती है। वो जो कुछ भी हो तुम उनके मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। तुम्हारे लिए कोफ्ते लेके आती हूँ, खा लेना। मैं कुछ नहीं करूंगा माँ। जो कुछ भी करना है तेजस्विनी खुद करेगी। उसने अपने बाप से बात की? हाँ हाँ, तुम्हारे ससुर जी के दिए हुए पैसे ही तो गिन रहे हैं हम यहाँ। तेजस्विनी, तुमने फोन नहीं किया अपने बाप को? क्यों? रुक, अभी भाभी को बोल दो तेरे बाप को फोन करे। नहीं नहीं नहीं, मैं करती हूँ फोन। हेलो। हेलो पापा। तेजस्विनी कैसी है बेटा तू? कितने दिनों के बाद तेरी आवाज सुन रहा हूँ। तू फोन क्यों नहीं करती है? ये ले मम्मी से बात कर। हेलो तेजू। माँ ठीक है ना? माँ वो तेजू क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों है? माँ माँ मैं शादी से खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे वापस आना है। माँ मैं वापस आना चाहती हूँ। तेजू तेजू क्या हुआ, फोन काट दिया क्या? मैंने पहले ही मना किया था कि ये शादी मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। ये क्या बकवास कर रही थी तू? तू वापस जाना चाहती है? हाँ तेजू तुझे वापस। हाय राम, इसने मेरे सूप में कॉकरोच डाल दिया। ये हम सबको मार देना चाहती है माँ, इसका यही प्लान है, हम सबको मार के ये इस घर पे कब्जा करना चाहती है। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। तो इतना बड़ा कॉकरोच अपने आप गिर गया गरम गरम सूप में मरने के लिए? बस बहुत हो गया, अब मैं आप लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोगों को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है ना, तो चली जाती हूँ मैं अपने माँ बाप के घर। कैसी बेशर्म लड़की है तू, ऐसे कैसे चली जाएगी? हाँ मोहल्ले और रिश्तेदारों में हमारी नाक कटवानी है? अतुल हिम्मत देखिए इसकी, हमें बदनाम करने का पूरा प्लान बना रखा है। अतुल इसे कमरे में बंद कर दे, दो दिन तक भूखी प्यासी रहेगी ना तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं माँ, इसे तो स्टोर रूम में बंद करना चाहिए, इसे भी तो पता चले कॉकरोच का काटना क्या होता है। नहीं अतुल, लेके जा इसे। छोड़ो। बहुत जबान निकल गई थी। अब यही सर। खोलो अतुल, प्लीज दरवाजा खोलो ना, यहाँ बहुत कीड़े हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। माँ जी, भाभी, प्लीज दरवाजा।
खोलिए ना, खोलिए ना दरवाजा। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। माँ नाश्ता बन गया क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें तो मैंने कमरे में बंद किया था ना, तो यहाँ कैसे आ गई? अरे भैया क्या काम था ही इतना जरूरी कि मुझे निकलना ही पड़ा। बकवास बंद कर। अरे ये बता कि बिना दरवाजा खोले तू बाहर कैसे निकली? कहा था ना बहुत जरूरी काम था, अब अगर बाहर नहीं निकलती तो ये कैसे लाती? ऐसी तुम ले आई अच्छे साथ। पापा उस शोरूम की दीवार। असली तो है ना बेटे। आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। स्पेशल भिंडी बनाऊंगी, खास वैसी जैसी आपको पसंद है। हाँ बेटा जल्दी जा, जल्दी जा। ऐसे आगे बेटे देखो। अरे अतुल बेटा तुमने तो बाजी मार ली, पैसे आ गए। दिमाग की दही कर दी, लंच तक नहीं किया। गगन जल्दी घर चल वरना भूख के मारे बेहोश हो जाएगा। शंकर, छोटू कहाँ मर गए सब लोग? ड्यूटी के टाइम कोई ड्यूटी में नहीं रहता।
अरे पर इतने सारे कॉकरोचेस। अरे मियाँ, इसकी बॉडी को कॉकरोच बफेट समझ के पूरी तरीके से स्वागत कर गए यार वो। ज्वाला, ये निशान देखो। My God, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े से कीड़े ने इस पर हमला किया है। साहब, हमारी बिल्डिंग में हमेशा पेस्ट कंट्रोल होता है। साहब, काकरोच तो क्या मच्छर भी नहीं मिल सकते, पर समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे काकरोच आए कहाँ से। भाई एक बात बताओ, इस बिल्डिंग में आपने किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा क्या? नहीं साहब, हम गार्ड रूम में बैठ के खाना खा रहे थे, तभी अचानक जोर से आवाज आई। कैसी आवाज? साहब, वो जैसे कीड़े फड़फड़ाने की होती ना, बिल्कुल वैसे ही जोर की आवाज थी। और हम बाहर आकर देखते हैं कि गगन साहब की लाश पड़ी है यहाँ पर, उसके ऊपर काकरोच लपटे हुए हैं। पाजी, इसके शरीर से अभी भी कॉकरोचेस बाहर निकल रहे हैं। अरे यारो, बचपने में मेरी मम्मी मेरे को चीनी पराठे बना के खिलाती थी। मैं स्कूल लेके जाता था, इंटरवल तक के वो चीनी पराठे चींटी पराठे हो जाते थे। मियाँ, आज वही देखने को मिल रहा है। पाशा, एक काम करो, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन कॉकरोचेस को लैब में देखे तो सही आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोल रही हूँ। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। ये लीजिए भाभी। लीजिए सुनी, जल्दी मम्मी पापा को बुलाओ, गगन को कुछ हो गया है, हमें उसके पास जाना है, जल्दी करो। मम्मी पापा तो संगीत पर गए हैं, चलिए हम चलते हैं, रास्ते से कॉल कर देंगे। निकले जा रही है। जी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आपको भैया के पास पहुंचा दूंगी। बस थोड़ी देर और, फिर तू भी अपने उस कमीने पति के पास होगी। मुझे क्या हो रहा है? तूने मेरे खाने में क्या मिलाया था? हाँ, क्या हुआ? कॉकरोच का स्वाद पसंद नहीं आया? क्या हुआ? कॉकरोच का स्वाद पसंद नहीं आया? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं भी तो चिल्लाई थी उस रात जब तुम सब ने मिलकर मुझे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, तब तो तू नहीं आई थी मुझे बचाने उन कीड़े मकोड़ों से, तो अब तू कैसे बच पाएगी? मुझे माफ कर दे। आ, 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 आ,
मिल गया मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट का जीता जागता सबूत।